साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम भागलपुर के समक्ष दिया गया। इस धरना का नेतृत्व विभिन्न मार्केट कमेटी के द्वारा किया गया, जिसमें फुटपाथ के जिला समन्वयक विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार, तिलका मांझी सब्जी मार्केट के धर्मेंद्र कुमार के अलावा सैकड़ों विक्रेताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं शहर के करीब 600 फुटपाथ विक्रेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर के विक्रेताओं की जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन से 11 सूत्री मांगों में 58 वेडिंग जोन में संबंधित मार्केट के वेंडर मंथली शुल्क वसूली, वेंडर्स के लिए वेडिंग जोन में बैरिकेटिंग आदि कामों को लेकर आवेदन दिया गया। उन लोगों की मांग थी कि फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम को प्रशासन की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है, उन्हें अस्थायी जगह दिया जाए जिससे वह कमा खा सके और अपना गुजर बसर भी अच्छे से कर सके। वहीं नगर आयुक्त ने फुटपाथ विक्रेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों की जो भी 11 सूत्री मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षण कर यहां देखा जाएगा कि शहर में बैरिकेटिंग कर वेडिंग जोन कहां बनाया जा सकता है। वहीं फुटपाथ विक्रेताओं के अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शन और भी उग्र होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। लाना और नए तरीके से पूरे शहर का अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्तर विक्रेताओं को हटाना केवल नहीं बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये कहीं से भी उचित नहीं। के द्वारा 1 दिवसीय धरना सह प्रदर्शन कार्यक्रम है। आजकल भागलपुर शहर में ही नहीं पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो स्थायी अतिक्रमणकारी हैं उनको छोड़ करके, उनके पक्के मकान जो रोड पर बना ले उनको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ फुटकर विक्रेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सर्वथा जो है अनुचित कार्य है। इससे हमारे फुटकर विक्रेताओं की रोजी रोटी जा रही है, जबकि भारत सरकार ने फुटपाथ विक्रेता अधिनियम बना करके फुटपाथ विक्रेताओं को हर निकाय नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्र में जो है व्यवस्थित करने का कानून बनाया है, जिनका ये लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जबकि भागलपुर नगर निगम के द्वारा लगभग 3,500 वेंडरों का सर्वे भी किया गया है, सबको आई कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी वेंडिंग जोन में बैठने की अनुमति पत्र ये भी दिया गया है। सरकार के द्वारा 10,000 का PM स्वनिधि योजना के तहत लोन भी दिया गया है। इन सब कार्यों को होने के बावजूद जिला प्रशासन के लोग जाते हैं और हमारे फुटकर विक्रेता फुटपाथ विक्रेता को अतिक्रमणकारी कह करके वहाँ जबरदस्ती बेदखल कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके सामान को जब्त कर लेते हैं, सामान का जब्त लिस्ट भी नहीं देते हैं, खुल्लम खुल्ला कानून का उल्लंघन करते हुए जो है अपना मन मर्जी मुताबिक काम करते हैं। लिस्ट का हम भी समर्थन इसीलिए करते हैं कि जब आप पदाधिकारियों में आपस में सामंजस्य नहीं है या तालमेल नहीं है या जानकारी का अभाव है, तभी इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी चल रही है या फिर जूनियर पदाधिकारी अपने सीनियर पदाधिकारी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रख पाता है, यही पूरा चल रहा है। और बाकी तमाम चीज़ें अफसरों तक ही सीमित है। ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शहर में फुटकर विक्रेता सम्मान के साथ अपना व्यापार करे, अपना जीवन यापन करे, इसके लिए वेंडर्स कार्ड बना था, वो वेंडर कार्ड तमाम वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया और उस वेंडर्स कार्ड के आधार पर सरकार ने ये बात कही कि जितने भी ऐसे फुटकर विक्रेता हैं जिनको आप लोगों ने नगर निगम ने चिन्हित किया है, कार्ड दिया है, प्रमाणित किया है कि ये वेंडर्स है, उन तमाम वेंडर्स को सरकार ऋण देने का काम करेगी। उनको सरकार के द्वारा ऋण भी दिया गया। अब जब आज वो फुटकर विक्रेता सड़क पर अस्थायी कोई ठेला कोई खोमचा लगाकर बैठ रहा है तो जिला प्रशासन के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी इमीडिएट हो जाता है कि सबको हटाइए, सड़क को जो है अतिक्रमण मुक्त बताइए और अतिक्रमण मुक्त बनाने का एकमात्र विकल्प दिखता है वो फुटकर विक्रेताओं को हटा देना। आखिर हमको ये बताइए तो फिर आपने उनको हटाने के पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की, मेरा जिला प्रशासन से ये सवाल है। दूसरा, आप उनको अगर हटा रहे हैं तो ये बात बताइए कि आखिर उनको वेंडर्स कार्ड जो दिया गया, अगर वो फुटकर विक्रेता नहीं है तो उनको वेंडर कार्ड क्यों दिया गया? हम लोगों ने वेंडर कार्ड दे दिया, अब आप उसको हटा के इसका मतलब है कि आप निगम प्रशासन की छवि को धूलमिल करना चाह रहे हैं या फिर निगम प्रशासन जो है उसके अफसरों की कोई बात की वैल्यू नहीं है या बोर्ड के बात की कोई वैल्यू नहीं है, जैसा अफसर चाहेंगे वैसा करेंगे। तो इस अफसरशाही रवैये के खिलाफ में आज तमाम वेंडर्स भी हैं और उसके खिलाफ में मैं खुद भी हूँ।
और इसीलिए मैं वेंडर्स का समर्थन करता हूं कि वेंडर्स आखिर कहां जाए, वो अपने दिनचर्या को, अपने जीवन यापन करने के लिए वो क्या करें। अगर उसको जो डेली कमाने खाने वाला व्यापार कर रहा है, अगर आप उसको लाठी चलाएंगे, उसको हटा देंगे कार्ड देने के बाद, तो उसके बाद दूसरा उपाय उसके पास क्या बचेगा? अपराध ही ना करेगा वो। तो या तो आप उसको चाहते हैं कि अपराध वो करना शुरू कर दे व्यापार छोड़कर, क्योंकि आप उसको व्यापार करने नहीं दे रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां से जहां हटाना चाहते हैं वहां से वहां हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके जगह पर उनको कहां से कहां बैठना है ये तो बता दीजिए, आप वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ना, वो बैठने के लिए तैयार है। लेकिन सब जगह से आप हटाना सिर्फ शुरू कर दे रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सर आप भी एक जिम्मेवार पद पे। अपनों का शहर, सपनों का घर, विदेशी सुविधाओं से लैस सुपर टेक्नोलॉजी डिजिटल होम, स्पेशल ग्रीन प्लांट, बागीचा, प्लेग्राउंड, हेलीपैड, मल्टीप्लेक्स, वर्टिकल गार्डन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित फुली ऑटोमेशन पैनोरमा ग्रुप नए भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट, नंबर 1 इन बिहार, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया, बाईपास रोड पूर्णिया। बुक नाउ, कॉल 1800 120 2111।